सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर गेमिंग चैनल एवजी गेमिंग। सो गाइस, जैसे कि यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल रहा है, ये है हम लोग का सीजन 3 का इलाइट पास। ओके, जो कि इसमें अभी आप लोग को यहाँ पर फुल मतलब कि पूरा का पूरा वीडियो क्लिप परचेस करके दिखाने वाला हूँ। मतलब कि इलाइट पास को परचेस करके दिखाऊंगा और क्या क्या आइटम है, छोटे से छोटा आइटम को अभी हम लोग इस वीडियो पर देखने जा रहे हैं। लेकिन गाइस, उससे पहले देखो ये वीडियो में गाइस एक आप लोग को छोटा मोटा सा गिव अवे देखने को मिलेगा। मतलब कि कटाना का स्किन जो आप लोग को 100 डायमंड टॉप अप पर आया है, तो गाइस ये जो कटाना स्किन है ना गाइस, मतलब कि आप में से एक प्लेयर को यहाँ पर मिलने जा रहा है। तो पहले देखो गिव अवे का जो रूल्स वगैरह है काफी सिंपल से, आप लोग को ज्यादा कुछ करना नहीं है, बस ये वीडियो को एंड तक देखना है और इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को फटाक से सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइबर जोर से कर लेना है गिव अवे पार्टिसिपेट करने के लिए। ओके, जैसे कि जो इलाइट पास है अभी तक मैंने यहाँ पर पर्च नहीं किया है और ये सीजन 3 का इलाइट पास है, जो कि बहुत सारा प्लेयर यहाँ पर डिमांड कर रहे थे, क्योंकि ये सार्डबोर्ड में कुछ कुछ ऐसा ऐसा चीज है जो कि बहुत सारा प्लेयर को पसंद है, जैसे कि सार्डबोर्ड हो गया, बैनर अवतार हो गया और बंडल तो इतना कुछ खास नहीं है, फिर भी बहुत ज्यादा रेयर है। ओके, तो फटाफट से हम यहाँ पर जो ये जो इलाइट पास है गाइस, इसको पर्च कर लेते हैं। जैसे गाइस मैंने इसको पर्च कर लिया यहाँ पर, तो यहाँ पर गाइस मुझे इलाइट पास का जो कुछ बैजेस था 63 ऐसे कुछ बैजेस था मेरे पास, तो यहाँ पर मुझे ये जो टी शर्ट है और बैकपैक स्किन और वगैरह यहाँ पर आप लोगों को क्या बोलते हैं लूटबॉक्स स्किन वगैरह मिल गया। फिर यहाँ पर बैनर मतलब कि अवतार देखने को मिल जाता है काफ़ी कमाल का, और यहाँ पर आप लोग को EXP एक्सपीरियंस कार्ड जो आप लोग को मिल जाता है 100% वाला। फिर यहाँ पर डायमंड वाउचर है और ये जो बैड स्किन आप लोग देख रहे हो ना गाइस, ये भाई साहब यार बहुत ज़्यादा रेयर आइटम है यार, मतलब कि ये रियर आइटम अभी पर्सनली बोलूँ तो गाइस बहुत ही कम प्लेयर के पास है। तो मैंने गाइस यहाँ पर इलाइट पास परचेस कर लिया है, तो ओके पे क्लिक करते हैं और एक एक आइटम को यहाँ पर हम लोग क्लेम करते हैं। ओके, तो पहले गाइस यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या मतलब कि मुझे बैजेस भी परचेस करना पड़ सकते हैं यहाँ पर। तो पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं गाइस, ओके लास्ट में क्या है, कुछ नहीं है। तो पहले हम लोग यहाँ पर ये सब आइटम को क्लेम कर लेते हैं। गोल्ड रेल वाउचर है यहाँ पर और ये वेटरन का, मतलब कि आप लोगों को तो पता है कि फ्री फायर में पहले आप लोगों को ये चैलेंज को अनलॉक करने के लिए पहले ये वाला मतलब कि लेना पड़ता था कुछ बैच कलेक्ट करने के बाद। ओके, 10 बैच कलेक्ट जैसे होते तो आप लोग का ये वाला वेटरन खुल जाता था, तो उसके बाद आप यहाँ पर आसानी से मिशन सबको कंप्लीट कर सकते थे, आप मतलब कि बैजेस सब आप लोग क्लेम कर सकते थे उस टाइम को। ओके, लेकिन अभी ये तो सिस्टम नहीं है। तो ये रहा हम लोग का एक छोटा सा अवतार, आप लोग को देखने को मिल जाता है, बहुत ही लेजेंडरी अवतार है, मतलब कि रेयरेस्ट अवतार है फ्री फायर का, और यहाँ पर गोल्ड आप लोग को मिल जाएगा। फिर इसी के साथ यहाँ पर एक छोटा सा टी शर्ट जो कि अभी बहुत ज़्यादा रेयर है, अगर आप पहन के जाओगे तो गाइस आपका पीछे बंदे लग पड़ेंगे, जिसको पता होगा उसको ही मतलब वही बंदा आएगा आपका सामने, जिसको नहीं है वो तो बाहर में जाए, उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो फटाफट से गाइस यहाँ पर मैंने बैच पर्च कर लिया, यहाँ पर साढ़े 100 बैच मैंने यहाँ पर ले लिया है, तो 100 बैच का हो जाता है आप लोगों का 2000 डायमंड। लेकिन उससे पहले वीडियो को फटाक से लाइक करो और इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब बटन को फटाक से क्लिक कर देना। ओके, तो बहुत सारा हम लोग को आइटम यहाँ पर मिल चुका है क्लेम करने को, तो पहले हम लोग यहाँ पर फ्री पास को क्लेम कर लेते हैं, मतलब कि फ्री में जो आइटम होता है वो सबको। ओके, तो गोल्ड हम लोग यहाँ पर ले लिया है। फिर उसी के साथ साथ आप लोग यहाँ पर बॉनफायर देखने को मिल जाएगा, और आप लोग को पहले गाइस पता है पहले का इलाइट पास में जो फ्री में कुछ भी सामान मतलब आप लोग को इतना अच्छा से मिलता नहीं था, जैसे कि ऊपर वाला लाइन देखो गाइस यहाँ पर पूरा खाली खाली पड़ा हुआ है, बस यहाँ पर आप लोग को फ्रेगमेंट वगैरह दिया जाता था और बैनर अवतार ये सभी होता था बहुत ज़्यादा। ओके, तो यहाँ पर एक छोटा सा अवतार आप लोग को फिर से मिल जाता है, मतलब कि बैनर जो कि अभी का समय में बहुत ही रेयर आइटम है, और ये छोटा सा एक गोल्ड रॉयल मतलब कि भाउचर। फिर यहाँ पर आप लोगों को रिसप्लाई मिल जाता है। फिर गाइस यहाँ पर हम लोग को पैरासूट का जो स्किन है ना गाइस, ये मतलब कि बहुत ज़्यादा रियर आइटम है। ओके, तो ये जो पैरासूट का स्किन देख रहे हो ये गाइस अभी बहुत ही ज़्यादा रियर आइटम है फ्री फायर का। ओके, तो आप में से कितना प्लेयर ने कभी देखा होगा, मतलब कि बहुत ही कम प्लेयर ने देखा होगा जो ओपोनेंट में आता है प्लेयर सबके पैरासूट ही, मतलब क्या ही बोले। ये रहा हम लोग का सार्डबोर्ड एक देखने को मिल जाता है, सार्डबोर्ड के साथ साथ यहाँ पर डायमंड भाउचर है, गोल्ड रेल मतलब कि गोल्ड आप लोग को 300 मिल जाता है यहाँ पर। फिर एक बैनर आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाता है गाइस, फिर सामोन या ड्रॉप, फिर हम लोग का कैरेक्टर फ्रेगमेंट। फिर गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यार लूटबॉक्स स्किन। हाँ गाइस, ये लूटबॉक्स स्किन आप लोगों ने देखा होगा कभी ना कभी, या फिर नहीं भी देख सकते हो अगर आप न्यू प्लेयर हो, तो गाइस आपको पता ही नहीं होगा कि ये लूटबॉक्स क्या है, इसका वैल्यू क्या है, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ ये बहुत ही रेयर आइटम है। ओके, ये जो लूटबॉक्स स्किन अभी आप लोगों ने देखा। फिर ये गोल्ड वगैरह मिल रहा है। ये रहा हम लोग का फीमेल बंडल,
अगर फीमेल बंडल कुछ खास तो दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी गाइस अगर आप ये बंडल पहन के जाओगे, लेकिन अभी तो कोई जाएगा नहीं क्योंकि किसी के पास होने से ना जाएगा, मतलब है बहुत ही कम प्लेयर के पास है, तो आपको लाइक का मतलब कि बारिश कर दिया जाएगा फ्री फायर में, मतलब कि आपको बहुत ज़्यादा लाइक मिलने आप अगर आप ये कॉस्ट्यूम पहन के जाते हो। तो यहाँ पर फिर से डायमंड बाउचर वगैरह मिल चुका है, फिर ये रहा एक छोटा सा आप लोग को अवतार देखने को मिल जाएगा, फिर फ्रेगमेंट वगैरह है यहाँ पर, फिर गोल्ड आप लोग को 300 गोल्ड मिल जाता है, फिर ये छोटा सा एक टी शर्ट है फीमेल के लिए, फीमेल कैरेक्टर के लिए, फिर यहाँ पर सामान या ड्रॉप, फिर से गाइस बैजेस पर्च करना पड़ेगा मुझे, तो फटक से हम यहाँ पर बैज पर्च करके आते हैं। ओके तो गाइस मुझे यहाँ पर 63 बैज पर्च करने पड़ेगा और उसके लिए मेरे को यहाँ पर 1260 डायमंड देने पड़ रहे हैं, तो फटक से ये बंडल को लेने के लिए मुझे 63 डायमंड ओके मतलब कि 63 बैजेस पर्च करना पड़ेगा यहाँ पर, तो फटक से मैं यहाँ पर पर्च कर लिया है। और गाइस देख सकते हो सारा का सारा आइटम जो कि यहाँ पर अनलॉक हो चुका है, तो फटक से हम यहाँ पर क्लेम करते हैं। लेकिन गाइस ये जो क्या है ये कुछ नहीं है, तो फटाफट से क्लेम करते हैं। ये लो सार्बोर मतलब कि पैरासूट स्किन ले लिया हमने, फिर ये गोल्ड, फिर समन एयर ड्रॉप, फिर गाइस ये देखो यहाँ पर। लेकिन गाइस देखो पहले क्या होता था कि अगर आप यहाँ पर 225 बेस जैसे कंप्लीट करती हो तो गाइस आप लोगों को वो वाला सार्बोर्ड मिलता था, मतलब कि आप लोगों का रेयर आइटम होता था बहुत सारा प्लेयरों का जो कि दिन रात मेहनत करके खेलते थे, और वो सार्बोर्ड के लिए जो मतलब कि पैसा जितना ज़्यादा वेस्ट नहीं करता था वो लोग यहाँ पर दिन रात खेलते थे, वो मतलब कि लास्ट वाला आइटम के लिए 225 बेस में जो मिलता है। तो आप लोगों ने अभी यहाँ पर देखा मतलब कि जीप स्किन आप लोगों को देखने को मिल गया इसी लाइट पास में, फिर यहाँ पर बैनर आप लोगों को फिर से देखने को मिल जाता है, और जीप स्किन तो गाइस काफ़ी मतलब कि अभी लेजेंडरी आइटम है, रेयर आइटम बोल सकते हो आप लोग। तो ये रहा हम लोग का मैक्सिन कैरेक्टर का फ्रेगमेंट, आप लोग को मिल जाएगा बहुत सारा फ्रेगमेंट दिया होता था मतलब कि पहले का लाइट पास में। ओके गाइस तो यहाँ पर आप लोगों को रिसप्लाई वाला देखने को मिल जाता है। ओके और उसी के साथ साथ गाइस आप लोगों को जो ये बैकपैक स्किन आप लोग देख रहे हो ना गाइस, भाई साहब यार अभी का समय में ये बैकपैक का स्किन ही बहुत ज़्यादा वैल्यू है इस स्किन का। ओके भाई साहब यार ये बैकपैक स्किन मत ही पूछो यार, गजब है। तो ये रहा हम लोग का फ्रेगमेंट वगैरह। फिर से गाइस ये जो सार्बोर्ड है ना गाइस, मेरा फेवरेट सार्बोर्ड है गाइस, आप लोगों को मैं बोल रहा हूँ वन ऑफ द माई फेवरेट सार्बोर्ड है फ्री फायर का अभी तक का, मतलब कि लेजेंडरी मतलब कि मेरा बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा सार्बोर्ड है ये। ओके और इसी के साथ गाइस ये वाला हम लोग का बंडल मेल बंडल जो कि गाइस आप लोगों को कुछ इस प्रकार से यहाँ पर देखने को मिल जाता है, तो फटक से इसको क्लेम कर लेते हैं। और गाइस देखो यही है हम लोग का सीजन 3 का एलाइट पास, तो आप में से बहुत सारे गाइस यहाँ पर मतलब कि डिमांड कर रहे थे कि हम लोग को सीजन 3 वाला एलाइट पास दिखा दो कि किस प्रकार से था, मतलब कि क्या क्या आइटम उसके अंदर आया हुआ था, तो जिसके कारण गाइस मैं ये वीडियो क्लिप सिर्फ आप लोगों के लिए लेके आया। तो इसके लिए गाइस इस वीडियो को लाइक करना तो बनता है, तो लाइक का टारगेट रखता हूँ मैं 50 लाइक एम, तो आई होप कि आप लोग फटक से कंप्लीट कर दोगे। और वीडियो पसंद है तो गाइस चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब है जो उसे कर लेना। ओके तो भले देखो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक। Here.